मुनासिब वाले तो कम आज कोई नहीं, दो दिन छोड़ के जो आ गए। जोड़ी तो क्या मंगा ने? 90,000 तक क्या हो जी, तक के कम गलू थे नजर आने पर कच्चा ठीक है। दान चेक करो जी, दोनों जी दोनों बेटे। तो फाइनली जी, फाइनली तकरीबन 4-4.5 घंटे जलील होने के बाद हमने भी बकरे ले लिए हैं। ये जा रहे हैं आगे पकड़ के, ये लोग बाहर कोई रक्षा वगैरह करना है। एक ये है, दूसरा वो साकिब भाई आगे लेके जा रहे हैं। ये चेक करें, बहुत ज़्यादा इस बार मंडी के रेट से बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है। भाईजन कितने का लिया? सर जी ये मुनासिब हो गया। मुनासिब हो गया, फिर भी कितने का हुआ? ये जोड़ा लिया है 85,000 का। छोड़ो जी, ठीक मिल गया ना, बहुत महंगा ले, बहुत महंगा ले लिया। छोड़ो यार, मैं नहीं, ओ, ओ, नहीं 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 छोड़ो छोड़ो। यहाँ पे ये लोग पर्ची चेक करवाएंगे और हम तब तक बाहर गाड़ी कहीं पे देखते हैं। हमने ले लिए हैं, तकरीबन 4-4.5 घंटे हमारे इसी में लग गए बकरे ढूंढने में। रेट नहीं बनता था, बहुत महंगे थे। हम आए थे परसों, तो परसों हमने समझा 2-3 दिन बाद आएंगे तो रेट गिरे हुए होंगे, हमने समझा रेट गिरे हुए होंगे, पर आज रेट चढ़े हुए थे। तो जो चीज़ उस दिन 40 की थी आज 60 की थी। बहुत मुश्किल के साथ मैं और मेहनत और मशक्क़त के साथ ये दो बकरे लिए हैं, 85 के 85,000 के ये दो बकरे लिए हैं। अब आप लोग बताएं, दोनों धोंदे हैं, चोगे नहीं हैं, दोनों धोंदे हैं। आप लोग बताएं रेट ठेक हुआ है इनके साथ, ये चेक करें। ये डिग्गी में आ जाएंगे वैसे, क्या करना है? नहीं डिग्गी में नहीं थी, लोडर अच्छा मतलब लेने गए हुए हैं, लोडर
लेके आते हैं। इससे तो अच्छा था बड़ी गाड़ी ले आते, वो उसमें ले जाते हैं। बस उस वक्त रह गया ना हम कश्मकश में थे कि आज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बाकी आपको जाके घर में सारी तफसील बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं। इसकी हालत देख लें आप, ये सुबह से बेचारा थका हुआ था, इसका आज लेंटर भी था तो काम बहुत गलत हो गया। शाम को यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। यार एक मिनट यार, घर जाके आपको फिर सारी तफसील बताते हैं। हमारे तो बकरे की भी दाढ़ी है, तेरी कब आएगी बड़वे? तो आपका फर्स्ट टाइम था ये मंडी वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओ मारा ना पूछो मारा, क्यों खैर हो? असल मारा सी बड़े असल मारा तो असी मारा फंस गए हैं, इतना आराम भी नहीं कीता। कल रात को 2 बजे सोया हूँ, 2 बजे सोया हूँ, सुबह 5:30 बजे उठा था क्योंकि गैर आपको पता है वो छत डलवानी है। ठीक है, राजी साहब का भी आपको पता है अगर लेट हो जाते तो फिर बिजली होनी, ये तो है भाई। लेकिन आज हम जल्दी उठे हैं तो छत भराई स्टार्ट हुई है 9:30 बजे और 1:30 पे भराई कंप्लीट हुई, फिर खाना खाया, फिर उधर से फ्री हुई है तो आप लोग पकड़ के मंडी ले आए और अभी तक हम जलील हो रहे हैं। ये उस्ताद पहली बार आए हैं मंडी जी, इनको किसी चीज़ का नहीं पता, धोंदे चौगे छिगे क्या होते हैं कुछ भी नहीं। अब एक ही दिन में हमने कहा इनको सिखाएंगे, लास्ट टाइम 2 दिन पहले भी हमारे साथ आए थे इसीलिए लाए थे कि इनको पता चल जाए कि क्या होता है मंडी में, क्या रेट है, कैसे जानवर सिलेक्ट किया जाता है। ऐसी बात है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अपनी मंडी लगाएंगे। मेरी गल सुन, जुतिया ला ना बस तुझे नहीं हलनी। अच्छा तुसी एक मिनट, तुसे असा सिर्फ दे थोड़ी देर बात कर के अंजला तू मुंह उधर कर के, मैं ना ढका ला थले पैर विच कर गए कपड़े कर गए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि उस दिन मैंने आपको कहा कि घर जाके आपसे बात करते हैं तो नहीं हो सकी, उसकी वजह यही थी कि उस दिन रात को तेज़ बारिश आ गई थी जिसकी वजह से हम सो भी नहीं सके थे अच्छी तरह से। उसके बना ये कि बकरे बाहर थे, बारिश बहुत तेज़ थी, फिर उनको अंदर कमरे में ले आए थे तो उनकी स्मेल वगैरह बहुत थी जिस वजह से सारी रात सो नहीं सके। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे ईद वाले दिन, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम इनको कोई चीज़ इनकी डालें और कुछ हमें खिदमत इनकी 2-4 दिन जो भी हमारे पास अब रह गए। वीडियो तो मैं बहुत लेट डाल रहा हूँ तो करने दें, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी ईद वाले दिन। ओके, अल्लाह हाफिज़।